औरंगाबाद वरुण थाना क्षेत्र के कोचडेरहा गांव में एक व्यक्ति की हालत अचानक गंभीर हो गई। घर वालों ने जब हालत बिगड़ने के मामले को जानना चाहा तो पता चला कि घर में रखे दवा खाने के बजाय व्यक्ति ने चूहा मारने की दवा खा ली है। कुछ ही देर बाद व्यक्ति बेहोश हो गए और मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में बेहतर इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वरुण थाना क्षेत्र के कोसडेरहा गांव निवासी विष्णु राम का तबीयत खराब था और वे बुधवार की सुबह दवा खाने के बजाय चूहा मारने की दवा सल्फास की गोली खा रही थी, जिसके कैसे दवाई बीमार थे सर, आपने खा गए कब? अभी 10 बजे। कहाँ घर है? कोसडेरहा थाना बारून। क्या नाम है उनका? विष्णु राम। आपका नाम? बखुरा राम। क्या है उनकी आप? हम तो भाई है चचेरा। ओबरा थाना अंतर्गत संध्या में यह बात प्रकाश में आई थी कि एक महिला ने अपने बच्ची सहित जहर का सेवन कर लिया था और उसके बाद बच्ची दोनों की भी मृत्यु हो गई। महिला को भी बेहतर इलाज के लिए सासाराम ले जाया गया था, जहाँ पर उसका देहांत हो गया है। अभी तक की छानबीन से यह बात प्रकाश में आया है कि उस महिला का अपने पति के साथ विवाद था और आपस में झगड़ा होने के बाद उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। थाना प्रभारी को पोस्टमार्टम कराने का आवश्यक निर्देश दे दिया गया था और प्राथमिकी दर्ज करके अग्रेतर अनुसंधान का निर्देश दिया गया है। में आया था कि यहाँ पे शहर क्षेत्र में चोरी की घटना में वृद्धि हुई है, इसी को देखते हुए हमारे द्वारा पिछले जो भी अनुद्वेदिक कांड थे उनकी समीक्षा की गई और जो सहायक पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद है उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया कि जितने भी लंबित कांड है सबका एक साथ स्टडी करके बढ़िया से अनुसंधान की प्रगति का मॉनिटरिंग करें और उसका उद्भेदन का प्रयास करें। कांड की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए शहर में गश्ती को भी बढ़ा दिया गया है और प्रत्येक रात में एक वरीय पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक कोटि का उनको यह निर्देश दिया गया है कि वो रात के 12 बजे निकल के जितनी भी गश्तियाँ हो रही हैं उसको चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी गश्तियाँ सुचारू रूप से कार्यरत है। इसके अलावा भी अन्य कई बिंदुओं पर अनुसंधान का निर्देश दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इन कांडों का उद्भेदन होगा। जो कदम उठाया गया उद्भेदन के लिए ही उठाया गया है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कांडों का उद्भेदन किया जाएगा।